क्या सजेस्ट करोगे हमारे व्यूअर्स को जो आज आपको देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इटली? आपको अच्छी एजुकेशन लेना है तो यू आर वेलकम टू इटली, मगर इटली आप पैसा कमाने के मोटिव से ना आए, कुछ गुड। एक्सपेक्ट ही ना, क्योंकि स्कॉलरशिप मोर देन इनफ हो जाता है इटली का। फंड्स कितने शो किए थे? 48,000 मेरे पास अराउंड 48,000 USD था। USD। या हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। इट इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, बिकॉज आज हम एक स्टूडेंट जर्नी शेयर करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ है आज अभिलव। सो अभिलव, वेलकम टू आवर चैनल। हाय, आई एम ऑफ लव। सो अभिलव की आज हम स्टूडेंट जर्नी जानने वाले हैं। अभिलव, बताए कैसे सब ये स्टार्ट हुआ और कैसे आप इटली में आए? ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ यूट्यूब से, जब मैंने आपका और स्टडी इन इटली नाम का दूसरा चैनल देखा था, और ये प्रोसेस मार्च में स्टार्ट हुआ था, मार्च 2022। और मैंने उस वक्त में एप्लीकेशन कर किया था 2-3 यूनिवर्सिटीज में, एंड फाइनली आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी मेसिना, और मैं अभी मेसिना में पढ़ाई कर रहा हूँ। वंडरफुल। तो अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, वंडरफुल। तो कैसे, मतलब आपने सेल्फ एप्लीकेशन की है? हाँ, सेल्फ एप्लीकेशन की है, और कहीं पे भी डाउट होता था तो मैं जस्ट यूट्यूब पे सर्च करता था। या इन्फॉर्मेशन वाज इनफ, आपका इन्फॉर्मेशन इनफ। वंडरफुल। तो आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे, कैसा था, कितने ग्रेड्स थे, और कैसे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में एडमिशन मिला? मैंने ए लेवल्स किया था, जो ब्रिटिश बोर्ड का होता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का बोर्ड का होता है। मैंने 11th 12th में ए लेवल्स किया था, उसमें ग्रेड्स बीज एंड सीज में थे। कितने? बी एंड सी अच्छा, BNC। बायोलॉजी था और बाकी में बी था, और बायोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ना नहीं था बैचलर्स में, क्योंकि सी आया था। और फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इटली में स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी देखा यूट्यूब में, तो आई ट्राई देने के लिए, और एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, और आपने आइल्स दिया हुआ है? अच्छा, मैंने टॉफिल किया था एक्चुअली। टॉफिल दिया हुआ था। हाँ, और टॉफिल का स्कोर अराउंड 96 था मेरा, व्हिच वाज आउट ऑफ 20, और मैंने एसएटी भी दिया था, अच्छा, सेट भी और दिया। एसएटी 1480 तक ही था, तो एसएटी की वजह से मुझे टॉल्क नहीं देना पड़ा इटली के लिए। वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की रिक्वायरमेंट की आइदर यू मस्ट हैव टोफेल या फिर आइल्स, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो आप फिल कर चुके होते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए टॉफिल और आयल्स था, और टॉल्क और सैट था, तो मेरे पास दोनों ही थे ऑप्शन वाले। चलो, दैट्स वंडरफुल। फिर मतलब इटली ही क्यों चूज किया, कैसे इटली मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप, रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे पास बैकअप में सैपियंस था, और सैपियंस इज वेल रेनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सैपियंस पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, और आई प्रिफर सिविल इंजीनियरिंग ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं कर सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो, और वही स्कॉलरशिप प्लस बेटर यूनिवर्सिटी। सो यू चूज और मेसिना ओवर, फीलिंग है, मतलब ऐसा करते नहीं जनरली स्टूडेंट्स? अभी तो मुझे भी रिग्रेट हो रहा है, मगर लाइक मेस से ज्यादा तो अपने कोर्स में ही ध्यान देना पड़ेगा ना, एट द एंड व्हाट मैटर्स इज द कोर्स। कोर्स कोर्स, करेक्ट, दैट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का कैसे क्या एप्लीकेशन करी और कैसे क्या आपने सीन बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की? जैसे इरसू मेसिना स्कॉलरशिप है, तो कैसे एप्लीकेशन करी, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए? स्कॉलरशिप मैंने जब मैं अपने होम कंट्री में था, मैंने तभी अप्लाई कर दी थी, और स्कॉलरशिप में मैंने आई थिंक जून के महीने में अप्लाई किया था, मगर स्कॉलरशिप कंफर्म हुआ है इटली आने के बाद, अच्छा, और आके कुछ डॉक्यूमेंट्स है। मेसिना में उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली नहीं लगता है, मगर वो जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मेसिना, और मैंने मेसिना आके फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यूज करके मैंने मेरा ईज़े वैल्यू ले लिया, जो एयरसू मेसिना में अपलोड करना पड़ता है, और वो अपलोड करने के बाद स्कॉलरशिप मुझे मिल गया। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी मिली है? मुझे अराउंड 1456 या 76 ऐसा ही कुछ मिला। अच्छा, और वहाँ स्कॉलरशिप? मेसिना में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लड़कियों को अलग देते हैं, लड़कों को अलग देते हैं, आई डोंट नो व्हाई वो लोग ऐसे क्यों करते हैं, मगर देयर वो ऐसा इसलिए रहता है, इज। डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट्स को 20% एक्स्ट्रा मिलती है स्कॉलरशिप। हाँ, इसलिए लड़कियों को अलग मिला था, हाँ, हो सकता है। मगर मेसिना
था कि मैं बहुत जल्दी आया था, मेसिना में एकोमोडेशन बहुत कम है और मेसिना में सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स में एसआरडी वेरिफिकेशन अटेस्टेशन कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मगर जस्ट आपको इजी वैल्यू कम बनाने के लिए फैमिली वैल्यू फैमिली इनकम कम दिखाना चाहिए। अच्छा, इसे वैल्यू कम होगा तो अकोमोडेशन मिलने में हेल्प होगी ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा कम होगा तो कंफर्म मिलेगा, मगर कम ही रखना। अच्छा ठीक है, चलिए स्कॉलरशिप आपको मिल गई, अप्लाई कर ली, फिर उसके बाद वीजा के टाइम पर कैसे का सीन हुआ था, मतलब जब आपने वीजा अप्लाई किया होगा? यार मैंने यूट्यूब देखे, मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि इटली जैसे देश भी वीजा रिजेक्ट करता है, मगर मैंने जब यूट्यूब में देखना चालू किया तो सिर्फ टूरिस्ट वीजा ही इजी था, इटली के स्टूडेंट वीजा बहुत ज्यादा टफ निकला। और मैंने लाइक सारा प्रिपरेशन वही यूट्यूब के पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऐसे आपके वीडियो देखते देखते पास्ट एक्सपीरियंस देखते देखते ही वीजा के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स प्रिपेयर किया और कवर लेटर स्ट्रांग था और ग्रेड्स भी उतने ज्यादा खराब नहीं थे, प्लस एसएटी था। फंड्स कितने शो किए थे? फंड्स मेरे बहुत ज्यादा थे। अच्छा। जो कि मेरे पास अराउंड 48,000 यूएसडी था। 48,000 यूएसडी? या और जो भी फिक्स्ड था। अच्छा, पिछले साल से तो फाइनेंशियली तो आई मीन रिजेक्ट होने का कोई मुझे डर नहीं था। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इस वजह से वीजा। आप कहां से बिलोंग करते हैं इंडिया में? नहीं, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूं। अच्छा, तो आपका इंटरव्यू हुआ था? मेरा इंटरव्यू हुआ था, मगर वो इतना ज्यादा मैं उसे इंटरव्यू नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली सिम कॉल में ही कॉल कर दी थी इंडिया से नेपाल। मुझे इंटरव्यू का प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया था, उन्होंने मुझे बस ऐसे कॉल किया कि आपका फाइल्स मेरे टेबल में है तो क्यों पढ़ना चाहते हो इटली में। अच्छा, बस दैट्स इट, इट वाज दिस लाइक, या दैट्स इट। वाओ, वंडरफुल यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इंटरव्यू में मुझे एक दिक्कत था कि प्रिपरेशन के टाइम देते तो अच्छा मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाता, मगर उन्होंने मुझे इतना रैंडम कर दिया था कि उस वक्त में ट्रुथ के अलावा कुछ भी नहीं निकलता, वैसे रैंडम कॉल करोगे तो। सही बात है। अभी कैसा एक्सपीरियंस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के साथ? बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बैरियर के अलावा बाकी सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, लिविंग कॉस्ट कितना है यूनिवर्सिटी, मतलब मेसिना सिटी में? मेसिना सिटी में ऑलमोस्ट 200 टू 250 में सारा कुछ हो जाता है, अगर उतना ही ज्यादा पार्टीज करते हो तो 300-350 में हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, आप कुछ एक्चुअल ट्यूशन फीस पे कर रहे हो क्या यूनिवर्सिटी में इसके अलावा? नहीं, मैंने 156 रीजनल टैक्स पे किया था। ठीक है, जो कि उन्होंने कहा कि रिफंड हो जाता है, बट लेट्स से ठीक है, वो रिफंड नहीं भी हुआ तो स्कॉलरशिप से आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं। और अब जो ये आप वहां पहुंच गए, लिविंग कॉस्ट आपने बता दिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना स्टूडेंट्स के लिए? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू वर्क इन इटली, प्लीज डोंट कम टू इटली। वर्क कम है थोड़ा वहां पर? मैं तो कहूंगा नहीं है, आई मीन कम में तो एक दो होना चाहिए, नहीं है वो डिलीवरी जॉब्स है। मगर अब का सीन क्या है कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, वहाँ पे ऑर्डर करने से ज्यादा डिलीवरी बॉयज है तो ऑर्डर्स भी नहीं आता, वो डिलीवरी साइकिल लेके दिन में 6 यूरो 7 यूरो कमाने से बेटर आप पढ़ो घर पे बैठ के। दैट इज आल्सो ट्रू। ये अच्छा है, हम रियल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे रहे ताकि वो वही एक्सपेक्ट करके आए जो है ये चीजें। हाँ। लेकिन डिलीवरी जॉब्स है तो मेसिना के पास में कोई बड़ी सिटी हो तो वहां पर जाकर नहीं कर सकते हम? मेसिना के पास की बड़ी सिटी पालेर्मो और कटानिया है, पे देख सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया है अब तक, थोड़ा ट्राई किया जाए तो शायद मिल सकती है, व्हाट डू यू से? शायद पालेर्मो और कटानिया जाने से बेटर होगा मेसिना से नापोली या रोम चले जाए क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। रोम मिलान का तो आई कैन वाउच कि वहां पर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि वहां ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं तो डिलीवरी वाले ही वहां पर कम रहते हैं हमेशा। हाँ, मगर और कटानिया में आई डोंट नो क्योंकि सेम टाइम लगता है पालेर्मो पहुंचने में और नापोली पहुंचने में, सो यू कैन चूज। वाओ, वंडरफुल। और अभी जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी स्कॉलरशिप की कब आने वाली है? सेकंड इंस्टॉलमेंट आप हमें अगस्त में आने वाली है। अच्छा, अगस्त में। सो अभी क्या लगता है, लाइक आपको एक साल हो गया राइट अभी तक? हाँ, ऑलमोस्ट। तो कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चेंज हो गया आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में एक तो लैंग्वेज चेंज हो गया, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ फॉरेन लैंग्वेज सीखने का। गुड। द न्यू वे ऑफ एजुकेशन मिला मुझे। गुड। क्योंकि नेपाल में एजुकेशन सिस्टम और इटली का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और
तो वही इतना ज्यादा इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में है। वो भी इटली में जाने के बाद इरास्मस अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना। सो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। सो डू यू थिंक यू टुक द राइट डिसीजन ऑन इटली आने का? यस, इट वाज द बेस्ट डिसीजन। सो यू आर नॉट रिग्रेटिंग इट, राइट? नो, एंड क्या सजेस्ट करोगे हमारे व्यूअर्स को जो आज आपको देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इटली? मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज कम टू इटली इफ यू वांट टू स्टडी। आपको अच्छी एजुकेशन लेना है तो यू आर वेलकम टू इटली। मगर इटली आप पैसा कमाने के मोटिव से ना आए, गुड, कुछ एक्सपेक्ट ही ना, क्योंकि स्कॉलरशिप मोर देन इनफ हो जाता है इटली का आपको रहने के लिए और आपको वो बस बाकी सब कुछ करने के लिए। तो पढ़ाई आए और पढ़ाई करके उसके बाद तो आप डिसाइड करें। करेक्ट है। और कुछ बोलना चाहते हो, ये कंक्लूडिंग वर्ड्स, एनीथिंग जो आपको ऐड करना है अपने एंड से? मेरा वही है कि आप उतना ज्यादा टेंशन मत लो इटली आने के बाद। और इटालियन लैंग्वेज इंडिया और आपके होम कंट्री से ही प्रिपेयर करने लगो, विच विल हेल्प यू, विच विल सेव यू हियर इन इटली। ग्रेट। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री? टू रिटर्न बैक टू रिटर्न बैक टू इंडिया और टू टू नेपाल? एंड गेट माय इंजीनियरिंग लाइसेंस एंड शिफ्ट टू मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे कोर्स के लिए। और अच्छा, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वहीं पे रहना चाहिए इंसान को। गुड गुड गुड। सो यू ऑलरेडी हैव अ प्लान कि क्या क्या करना है? इटली में मेरे कोर्स के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के लिए उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है इफ यू आर इंग्लिश स्पीकर। अच्छा हुआ आपने जो अभी इतना जेन्यून अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और आई होप कि ये वीडियो जो है हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड मैं यही कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड गुड विद गुड एजुकेशन सिस्टम, सो यू शुड डेफिनेटली स्टडी हियर अंटिल एंड अनलेस, जब तक स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके बाद क्या? क्यों, सही है। चलिए, तो थैंक यू सो मच अभिलाव फॉर शेयरिंग योर इन वैल्यूएबल इंसाइट्स, और फॉर माय एक्सपीरियंस। एंड आई विश थैंक यू यू ऑल फॉर द वेरी गिविंग बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच अभिलाव। थैंक यू। चलो।